हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो वर्कशॉप सेफ्टी से रिलेटेड है। अब देखिए टोटल बेसिकली क्या होता है वर्कशॉप। देखिए वर्कशॉप में होने वाले बहुत सारे काम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और हम उन्हें वर्कशॉप में जाके ही कर सकते हैं। जैसे कि कोई सामान ख़राब हो गया उसकी रिपेयरिंग करनी हम वर्कशॉप जाएंगे, वेल्डिंग करनी हम वर्कशॉप जाएंगे, कोई भी वर्क करना हम वर्कशॉप जाएंगे। ठीक है, तो सारी ज़रूरत के सामान कहाँ मिलेंगे? वर्कशॉप में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अब वर्कशॉप सेफ्टी हमको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको अगर हम कर रहे हैं तो पीपीज हमें पहननी होंगी। वेल्डिंग वर्क या कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वर्कशॉप में जाके हमें एप्रन पहनना होगा पहली बात तो। ठीक है, फिर क्या है वहाँ पे हैंड टूल्स और पावर टूल्स जो रहते हैं उनको जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल हमें सेफ रखना है। ठीक है, हमें उन मटेरियल को तभी यूज़ करना है जब हमें पता हो कि उसे कैसे यूज़ कर रहा है ना। ये सारी चीज़ें क्या है वर्कशॉप सेफ्टी के अंदर आती। अब देखिए कुछ क्या होता है, हैंड टूल्स होते हैं जैसे कि प्लास हो गया और भी बाकी सारी चीज़ें हो गई, हैमर हो गया, ये सारी चीज़ें। अब कुछ पावर टूल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी स्टीम इंजन हो गए और कंबक्शन इंजन्स हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कंप्रेस्ड एयर का कोई भी एक मशीन रखा हुआ है वहाँ पे आपको अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो ये पावर टूल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इन टूल्स को हैंडल वही तो कर सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। ऐसा तो नहीं कोई भी जाके उन्हें छू लेगा या यूज़ कर लेगा, वो अगर यूज़ करने की कोशिश भी करेगा तो भी वो ठीक से यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही बताया गया है वर्कशॉप सेफ्टी में कि आप जो भी काम करें सेफ्टी के साथ अगर करना चाहते हैं तो वही काम करें जो आपको आता है या उसके बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप है वहाँ हर तरीके का काम है, हर तरीके का सामान है, सब कुछ है, तो उसकी हाउसकीपिंग, उसकी सेफ्टी भी तो हमें ही देखनी होगी ना। तो इसलिए यह वर्कशॉप सेफ्टी बनाया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब भी आप वर्कशॉप में जाते हैं तो आपको एप्रन पहनना है, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप एप्रन पहनते हैं कोई भी वर्क करने से पहले तो आप बहुत तरीके के एक्सीडेंट से, हॉट वर्क अगर कर रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए खुद को सेफ रखना हमारे हाथ में है। हम जैसा भी वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा पीपीज पहनते हैं कि है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर ये पहनते हैं तो हम कहीं ना कहीं तक बहुत हद तक सेफ रह सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपको सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी भी नहीं करनी है, पर अगर हम कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर रखते हैं, याद रखते हैं, उन चीज़ों को करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब जैसे कि वर्कशॉप सेफ्टी है, इसमें हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है और साथ में वहाँ के हाउसकीपिंग का ध्यान रखना है, जो भी सामान जहाँ से लिया वो सारा वेल मेंटेन डेकोरम में उसे रखना है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम डेकोरम मेंटेन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो भी सामान हमें चाहिए वो हमें इजीली मिलेगा। ठीक है, जो सामान हमने जहाँ से उठाया उसे वहीं वापस रखेंगे तो इससे भी बहुत हेल्प होगी, सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी। ऐसा ना हो कि आप जो हैमर है, हथौड़ा है, उसे कहीं भी रख कर चलेगा और दूसरा आया कोई पर्सन उससे वो उसी के पैर पे गिर गया। तो अगर आप उसे परफेक्ट प्लेस पर रखते हैं, जो उसकी प्लेस है तो वहाँ रखते हैं, तो ये ऐसे तरीके के एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं। हमेशा याद रखना है जब भी आप वर्कशॉप लीव कर रहे हैं तो उसे क्लीन वे में, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन उसे करें, वहाँ से छोड़ें उसे, और साथ ही जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसे स्टोर करें उसी के रैक और ट्रे में जहाँ भी वो था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अपने यहाँ की सेफ्टी रख सकते हैं। आप देखिए हैंडल टूल्स आपको करना आता है, ठीक है, पर उनका मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी भी मशीनरी से आप वर्क कर रहे हैं, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है तो आपको मेंटेनेंस उसका कराना होगा। जब तक मेंटेनेंस नहीं होगा तब तक क्या होगा, अच्छे से वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, वो जो काम चल रहा है वो नहीं होगा कहीं ना कहीं, और काम अगर रुकता है तो इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्कशॉप है, अगर वर्कशॉप में चीज़ें मेंटेन नहीं रहेंगी तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें रख के अपने वर्कशॉप को सेफ रख सकते हैं। खासकर ध्यान रखना है जो इक्विपमेंट आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, वही इक्विपमेंट यूज़ करें। इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद उसको उसकी जगह पर रखें। अगर आपको लग रहा है ये इक्विपमेंट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन अपने हेड तक दें, अपने डिपार्टमेंट तक दे, फायर एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट तक दे, ताकि वहाँ से एक्शन लिया जा सके। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी पावर इक्विपमेंट है या जो भी इक्विपमेंट है, उनको ठीक से आपको अगर यूज़ करना आता है तो ही आप यूज़ करें, अदरवाइज उसे यूज़ ना करें। अपनी बॉडी की सेफ्टी रखने के लिए आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा, तो इसलिए प्लीज़ प्रॉपर पीपीज पहने,
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और एप्रन हमेशा पहनना चाहिए जब भी आप वर्कशॉप में वर्क करने के लिए जा रहे हो। क्योंकि देखिए, वर्कशॉप ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सारा कुछ सामान एक जगह मिल रहा है और सारी चीज़ें आप एक ही जगह कर सकते हैं। कोई चीज़ ख़राब हो गई, उसे रिपेयर करवा सकते हैं जाके, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो जहाँ हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो क्यों ना हम उस जगह को अच्छे से मेंटेन करके रखें। अगर हम अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो फ़ायदा तो हमारा ही होगा ना कहीं हमें चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। ढूंढनी नहीं पड़ेंगी तो समय बचेगा तो हम उसको एनर्जी भी बचेगी तो हम उसे अपने और दूसरे कामों में लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, वर्कशॉप सेफ्टी जो है वो कोई भारी भरकम काम नहीं है, पर इतना हल्का फुल्का भी नहीं है कि आप इजीली उसे संभाल सकें। वर्कशॉप है, तमाम तरीके के हजार्ड होते हैं, एक्सीडेंट्स की सिचुएशन बनती है, नियर मिस होते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें तो खुद को सेफ रखना है। तो खुद को सेफ रखने के लिए हम PPEs पहन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सेफ्टी मेंटेन अपनी वर्क प्लेस पर हो जाएगी। अब सेफ्टी तो मेंटेन हो गई, अब साथ में जो भी पर्सन उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा। उन्हीं को सारी चीज़ें ध्यान रखनी है एग्जैक्टली, तो कि उन्हें कौन सी PPE पहननी है, वो कौन सा वर्क कर रहे हैं, क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको एक पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है कि नहीं, वर्कशॉप में अगर हम जा रहे हैं तो इस तरीके का वर्क अगर हम कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहता है और दूसरे लोग भी आपको देख के सीखते हैं और एक इंस्पिरेशन बनती है। तो इस तरीके से एक्सीडेंट लेवल भी कम हो जाता है और वर्कशॉप सेफ्टी जो है वो भी मेंटेन्ड हो जाती है, ठीक है। तो आज ही मैंने आपको यही वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में बताया, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है, पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आप वर्कशॉप में हैं अगर तो आप कैसे सेफ्टी रखें। सेफ्टी रखी हुई है तो उसको क्या वो फॉलो हो रहे हैं रूल्स जो भी आपने सेफ्टी के लिए रखे हैं वर्कशॉप सेफ्टी में। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है ये, इसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगानी है। और वर्कशॉप सेफ्टी में हमें सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, बारीक बारीक सी चीज़ें, मेंटेनेंस कराना, जैसे कि टूल्स को तुरंत अच्छे तरीके से हैंडल करना, हाउसकीपिंग प्रॉपर करना, इस तरीके से। बस ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं कहीं ना कहीं तो हम सेफ्टी रख सकते हैं। तो आज ही मैंने आपको वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में बताया। सो थैंक यू।